हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक मैंने लिया है एमएससी मैथ्स इंटीग्रल इक्वेशन से। सो स्टार्ट करते हैं हम। टॉपिक है कन्वर्टिंग जनरल आईवीपी यानी कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम टू वोल्टेरा इक्वेशन। जनरल इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो होगी उसको वोल्टेरा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इसके लिए देखो, हमें दिया इक्वेशन y डबल डेरिवेटिव प्लस u ऑफ x, y ऑफ सिंगल डेरिवेटिव vx प्लस vx इंटू वाई एक्स इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, और इनिशियल कंडीशन क्या है, जब x की वैल्यू a होगी तो y ऑफ a रिटर्न करेगा कैपिटल A, एंड जब x की वैल्यू a होगी और तो फर्स्ट डेरिवेटिव y का रिटर्न करेगा b। इसे हम यूज़ करेंगे। ये वैल्यूज इसलिए गिवन होती है ताकि जब हम अननोन्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम इन वैल्यूज़ का यूज़ करते हैं। सो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले इसको y ऑफ y का जो डबल डेरिवेटिव है इसको एक साइड बाकी दूसरी साइड। सो क्या हो जाएगा, ये y डबल x इक्वल टू जी एक्स माइनस में ये पूरा का वह पूरा। ओके, अब क्या करेंगे, इसे हमें वाई एक्स निकालना है इसमें से। तो पहले इसका फर्स्ट टाइम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग ओवर ए टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव का सिंगल डेरिवेटिव बन जाएगा, और लिमिट कैसी है, ए टू एक्स है, और इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन ओवर ए टू एक्स, यहाँ भी माइनस में इंटीग्रेशन ओवर ए टू एक्स यू एक्स वाई डैश एक्स डी टी माइनस इंटीग्रेशन ओवर ए टू एक्स वी एक्स वाई टी डी टी। ओके, अब क्या करना है, अब इसको आगे सॉल्व करते हुए यहाँ पर एक बार वाई एक्स पुट करेंगे तो वाई डैश एक्स ही रहेगा, और यहाँ पर एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो वाई डैश ए आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी हम एज इट इज़ रख रहे हैं, और इसके ऊपर हम अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे होता है, u इंटू वी का इंटीग्रेशन, u एज इट इज़। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ v, अगर हमें इसे u माने इसे v माने तो u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ओवर v। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, खाली y, और इसकी लिमिट कैसी है, a टू x। ठीक है, फिर माइनस का साइन होता है क्योंकि हम बाहर माइनस है तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन अगेन आएगा, एंड डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई टी डी टी। ओके, ये हमने किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसका इतना सॉल्व हुआ, और ये एज इट इज़। नाउ देखो, y डैश एक्स एज इट इज़ एंड y डैश ए की वैल्यू क्या है, b है, तो यहाँ पर b सब्सटीट्यूट कर दिया, एंड ये एज इट इज़ a टू x जी टी माइनस, यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, तो यहाँ पर बन जाएगा, पहले x पुट किया तो u ऑफ x और y ऑफ x आएगा, तो यहाँ पर जब x पुट करेंगे तो यू एक्स, यहाँ पर भी यहाँ वाई एक्स आएगा, गलती से टी लिखा हुआ है, वाई एक्स, और फिर इसका तो माइनस, क्योंकि फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस है इसलिए माइनस, वाई यू ऑफ ए, यहाँ पर a पुट कर रहे हैं, और y ऑफ a की वैल्यू a है तो यहाँ कैपिटल a लिख दिया। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो इसमें वाई टी और ये वाई टी कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों की लिमिट सेम है तो हम इसे इकट्ठा लिख देंगे, वाई टी कॉमन लेके यू डैश टी माइनस वी टी डी टी। ओके, नेक्स्ट, अब अगेन इंटीग्रेटिंग ओवर ए टू एक्स, दोबारा से हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे ए से एक्स तक। सो अगर इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, y ऑफ x बचेगा, और इसकी लिमिट क्या होगी, a टू x। जब y ऑफ x में पहले x पुट करेंगे तो y ऑफ x, माइनस में y x में a पुट करेंगे तो y ऑफ a।
फिर बी का इंटीग्रेशन करेंगे, बी इंटू क्या है, वन है, तो वन का इंटीग्रेशन एक्स, और एक्स की लिमिट ए टू एक्स, सो इसलिए बी ऑफ पहले एक्स की जगह एक्स माइनस फिर लोअर लिमिट ए, ओके इक्वल। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, दोबारा से हमने जो अप्लाई किया माइनस ए टू एक्स, यहाँ भी अप्लाई किया, ओके और इस पूरे पर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया अगेन। अब क्या करना है, देखो जब हमारे पास इंटीग्रेशन रिपीट होते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कोची फॉर्मूला। तो कोची फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, जब हमारा एन टाइम इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, वन बाई में एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ओवर ए टू एक्स, ओके और एक्स माइनस टी, उसकी पावर क्या होती है एन माइनस वन, फिर उसके बाद जो भी जी ऑफ एक्स जो भी फंक्शन है वो होता है और डी टी, ठीक है। ये किसके लिए होता है, जब एन टाइम रिपीट हो रहे हो इंटीग्रेशन, ये जैसे कि टू टाइम है, अगर ये एन टाइम हो तो ये ऐसे होता है। अब ये तो हमारा देखो वाई ऑफ एक्स माइनस वाई ऑफ ए प्लस बी ऑफ एक्स, ये तो एज इट इज़ है, यहाँ पर इंटीग्रेशन रिपीट हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, टू टाइम्स, सो इसलिए हम एन की जगह क्या आएगा टू, यहाँ पर टू माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस टी की पावर टू माइनस वन वन जी टी डी टी माइनस ये, अब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अलग से लिख दिया और इसके ऊपर अलग से अप्लाई कर रहे हैं इंटीग्रेशन ए सी एक्स यू एक्स वाई टी डी टी, और इंटीग्रेशन जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो देखो ए है, ये कॉन्स्टेंट हुआ, ठीक है, इंटीग्रेशन यह अप्लाई होगा, ये भी कॉन्स्टेंट है, यानी कि इसके इंटू में वन है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और लिमिट क्या है ए टू एक्स, इसलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स माइनस ए हो गया। अब प्लस में, अब इस ये भी डबल टू टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पर भी कोशी फॉर्मूला लगेगा, सो इंटीग्रेशन, सो यहाँ पर भी अप्लाई किया कोशी फॉर्मूला ए टू एक्स एक्स माइनस टी, ठीक है, क्योंकि टू टाइम रिपीट हो रहा है तो पावर वन बाई टू माइनस वन का फैक्टोरियल, और ये फंक्शन एज इट इज डी टी, ओके। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, वाई एक्स को इस साइड रख लेना है, ओके वाई एक्स है जो हमारा वो यही रख दिया, बाकी हम उधर ले जाएंगे, और इसकी सेटिंग देखो, अब क्या करेंगे इसको ये और ये, इसके अंदर हम कॉमन ले लेंगे वाई टी, ओके वाई टी ये कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा देखो एक्स माइनस टी यू डैश टी माइनस वी टी, ठीक है, और यहाँ से वाई टी कॉमन लिया तो यू एक्स, बाहर इंटीग्रेशन ए टू एक्स वाई टी प्लस, अब लिख दिया ये वाला इंटीग्रेशन ए टू एक्स, वन का फैक्टोरियल तो वन होता है, तो एक्स माइनस टी जी टी डी टी, ओके एंड ये लिख लिया, ये हो गया, और अब ये रहा यू ऑफ ए ए इंटू एक्स माइनस ए, ये यहाँ लिख दिया, ओके एंड जो ये y ऑफ a है इसकी वैल्यू क्या है a, ये माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का a ये लिख दिया, और ये भी यहाँ पर आ गया। तो हमने इस अब क्या करेंगे, देखो जो फंक्शन है अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, ये y ऑफ x हो गया, और इस पूरे को हमने कह दिया के ऑफ एक्स वाई कर्नल, सॉरी एक्स टी, इसको कर्नल कह दिया, ये वाई टी डी टी, और जो बाकी ये बचा है ये पार्ट, ये हमारा एफ एक्स, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई वोल्टेरा इक्वेशन, जिसके अंदर एक्स वेरिएबल है, ठीक है, तो एक्स वेरिएबल है और ये हमारी इक्वेशन बन गया है, दोनों साइड वाई ट्रीट कर रहे हैं, और तो ये हमारी इक्वेशन कैसी हुई, वोल्टेरा इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। हमें यही करना था, जनरल इक्वेशन को जो जनरल आईवीपी थी उसे हमने चेंज करना था वोल्टेरा में। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं,
कन्वर्टिंग बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम टू फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम को फ्रेडहोल्म में कन्वर्ट करना है। सो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वाई डबल एक्स प्लस लैम्डा वाई एक्स इक्वल टू ज़ीरो। एंड कंडीशन क्या है, जब एक्स ज़ीरो होगा तो वाई एक्स ज़ीरो रिटर्न करेगा ज़ीरो, एक्स वन पर वाई डैश वन रिटर्न करेगा ज़ीरो। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं, इस इक्वेशन वन कह दिया है। क्या करेंगे, सबसे पहले काम हमारा इंटीग्रेशन करना ओवर ज़ीरो टू। देखो एक बात हो रहा है कि हम किसी के अंदर तो जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो ज़ीरो टू एक्स कर रहे हैं, किसी के अंदर हम वन टू एक्स करते हैं, किसी के अंदर ए टू एक्स करते हैं। ये कैसे पता चलेगा, हमें यहाँ पर क्या लेना है, इनिशियल कंडीशन के अंदर यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है जिसके ऊपर होती है वही से हम लोअर लिमिट लेते हैं और जो अपर लिमिट होती है वो हमारी एक्स होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पर क्या है, इनिशियल कंडीशन के जो भी है हमारी कंडीशन, जो ए जो ये वाली वैल्यू है अंदर स्टार्टिंग में वो ज़ीरो है, तो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे लेंगे, ज़ीरो टू एक्स। ठीक है, एक्स तो अपर लिमिट में तो एक्स ही रहेगा, ये एक्स ही रहेगा, लेकिन जो लोअर लिमिट होगी वो इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करेगी। ज़ीरो है तो ज़ीरो, यहाँ ए है तो ए, बी है तो बी, वन है तो वन, जो भी होगा। सो हम इंटीग्रेटिंग ओवर ज़ीरो टू एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव रह जाएगा, और लिमिट कैसी हुई, ज़ीरो एक बार एक्स टू ज़ीरो टू एक्स है तो वाई ऑफ वाई डैश एक्स माइनस वाई डैश ज़ीरो रहा, प्लस में लैम्डा इसका इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स वाई टी डी टी इक्वल टू ज़ीरो। अब हम क्या कर रहे हैं, जो क्योंकि देखो हमें वाई डैश वन की वैल्यू ज़ीरो पता है लेकिन वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, तो हम इसे फाइंड आउट करना होगा, इसे अभी हम लिख रहे हैं सी, इसे सी कह दिया। तो यहाँ इसे हम उसी साइड ले जाएंगे, वाई डैश इधर रख लिया और इसको भी उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर, तो ये बन जाएगा सी, ये माइनस में इंटीग्रेशन ज़ीरो टू एक्स वाई टी डी टी। अब क्या कर रहे हैं, वाई एक्स फाइंड आउट करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग ओवर ज़ीरो टू एक्स, दोबारा से इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा, अब सिंगल डेरिवेटिव का सिंपल फंक्शन वाई डैश वाई एक्स रह जाएगा, और क्योंकि लिमिट हमारी ज़ीरो टू एक्स है तो वाई एक्स माइनस वाई ज़ीरो, और सी के साथ कुछ नहीं है वन है, तो फिर उसका इंटीग्रेशन एक्स और लिमिट ज़ीरो से एक्स है इसलिए एक्स माइनस ज़ीरो माइनस लैम्डा ज़ीरो टू एक्स, और क्योंकि अब हम अगेन इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये लिख लिया। ओके, अब हमारा काम क्या है, अब वाई ऑफ एक्स एज इट इज़, वाई ज़ीरो पर हमारी वैल्यू एक्स ज़ीरो होने पर ज़ीरो थी वाई ऑफ ज़ीरो, तो ये ज़ीरो कर दिया, सी एक्स यहाँ बचा माइनस में लैम्डा। अब यहाँ पर हमने क्या अप्लाई कर दिया, कोची फॉर्मूला, क्योंकि ये इंटीग्रेशन रिपीट हो रहे हैं, तो क्योंकि टू टाइम रिपीट हो रहा है तो वन बाई टू माइनस वन फैक्टोरियल एक्स माइनस टी पावर वन वाई टी डी टी। ओके, अब हमारा काम क्या है, वैसे सी एक्स सी की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके, तो हम अपने कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो जब एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की वैल्यू वन होगी तो हम यहाँ पर y1 पुट किया, x की जगह 1, y1 इक्वल टू c माइनस जहाँ जहाँ x है वहाँ वह 1 आ जाएगा। ओके, और हमें क्या गिवन है, y1 ज़ीरो गिवन है 1 पर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, c उधर आ जाएगा, c इक्वल टू लैम्डा 0 टू 1, ये बचा क्योंकि ये 0 है तो इधर आ गया। अब हमारे पास क्या आ गई, c की वैल्यू, इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, वाई एक्स इक्वल टू ये वाली लैम्डा इंटू एक्स, और ये हमने c की वैल्यू पुट कर दी, माइनस में लैम्डा इसे लेके यहाँ तक ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट वाई ऑफ एक्स, वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब देखो हमने इसको क्या किया है, ज़ीरो टू वन है, इसको ब्रेक कर दिया ज़ीरो टू एक्स और वन टू एक्स टू वन, हमने इसे ब्रेक किया है ज़ीरो टू वन को, ज़ीरो टू एक्स और एक्स टू वन में। ओके,
वन माइनस टी वाई टी डी टी या भी वन माइनस टी वाई टी डी टी और ये फंक्शन एज इट इज। नाउ वाई ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा, हम एक्स को देखो क्या किया, जीरो टू एक्स वाला ये और जीरो टू एक्स वाला ये, इसके अंदर दोनों का इंटीग्रेशन जो है लिमिट सेम है, तो इसके अंदर हम वाई टी को कॉमन ले लेंगे, वाई टी कॉमन लिया, लैम्डा भी है दोनों में, लैम्डा भी कॉमन ले लिया इंटीग्रेशन। अब ये एक्स अंदर चला गया, ये एक्स माइनस एक्स टी हुआ, माइनस में यहाँ क्या है माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस टी, ओके एंड ये एज इट इज, ये एज इट इज रहा। और अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, लैम्डा जीरो टू एक्स, ठीक है, यहाँ से ये एक्स कैंसिल और टी कॉमन लिया, यहाँ वन माइनस एक्स वाई टी डी टी बचा, प्लस लैम्डा इंटीग्रेशन एक्स टू वन, वन माइनस टी वाई टी डी टी। नेक्स्ट अब देखो, यहाँ पर लैम्डा एक्स लिखना रह गया, या लैम्डा एक्स आएगा या एक्स अंदर जाएगा। अब इसे कर्नल कह दिया, कर्नल एक्स टी, ये भी है कर्नल एक्स टी, ओके, और ये वाई टी। अब कर्नल पे कंडीशन क्या है, जब टी एक्स से लेस देन है देन कर्नल एक्स टी हमारा रिटर्न करेगा टी वन माइनस एक्स, जब टी एक्स से ग्रेटर है देन कर्नल एक्स टी रिटर्न करेगा एक्स वन माइनस टी। तो हमारा देखो जीरो टू एक्स लिमिट, ये दोनों फंक्शन सेम सेम बना दी, और ये जीरो टू एक्स लिमिट, ये एक्स टू वन, तो ज्वाइन करके हो जाएगी जीरो टू वन लिमिट, बाहर लैम्डा कर्नल एक्स टी वाई टी डी टी। तो दोनों की दोनों लिमिट हुई कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट लिमिट हो तो हमारी कैसी इक्वेशन होती है, फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल की वीडियो में हम करेंगे इसके एग्जाम्पल इसी पेज पर एंड अदर टॉपिक्स। थैंक यू।